धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद धनंजय जी। माननीय मंत्री जी आपका धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले तो नेशनल एंटी डोपिंग बिल पर चर्चा लेने में जो शामिल माननीय सांसद हुए जिन्होंने भाग लिया, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, जनरल वत्स जी, एन आर इलेंगो जी, शांतनु सेन जी, अयोध्याराम रेड्डी जी, के आर सुरेश रेड्डी जी, जॉन ब्रिटोस, संजय सिंह जी, डॉक्टर फौजिया खान जी, श्री जी के वासन जी, अब्दुल वाहब जी, के रविंद्र कुमार जी, थम्बी दुरई जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, श्री अमर पटनायक जी, श्री विनय विश्वम जी, श्री फैंगन कौनियाक जी, श्री राम जी, मौसम नूर जी, वीरेंद्र प्रसाद बैसिया जी, धनंजय महादिक जी, एवं मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने इस बिल का समर्थन किया है और बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। डिप्टी चेयरमैन सर, कॉपनहेगन डिक्लेरेशन जो एंटी डोपिंग स्पोर्ट्स पर हुई थी, ये 2003 में हुई थी, जिसको भारत ने सहमति जताई, और यूनेस्को की इंटरनेशनल कन्वेंशन जो डोपिंग के विषय को लेकर थी, डोपिंग इन स्पोर्ट को लेकर थी 2005 में, उसके हम सिग्नेटरी हैं, और 2007 में हमने इसको रेटिफाई करने का काम किया था नवंबर में। इसके बाद पिछली बार जब कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुए, उससे पहले यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बने, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब की स्थापना हुई, और लगातार कई वर्षों तक इस पर काम भी हुआ, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी बने हमारे यहाँ पर, कानूनी प्रक्रिया उसको हो, कोई एक्ट यहाँ पर बने, उसकी एक कमी देखने को मिलती थी, जबकि दुनिया के 30 देशों में इसको पूरा किया गया था। भारत आज जब राज्यसभा में भी आप सबके सहयोग से, आम सहमति से, पूर्ण सहमति से आपके पास होगा, तो भारत भी उन देशों में दुनिया भर में आएगा जहां पर इसको स्टैट्यूटरी संविधान यहां पर बन पाएगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता इस बात की भी है कि जब लोकसभा में इसको लेकर आए और सदन के सदस्यों ने वहां पर कहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, पिछले साल दिसंबर में हमने इसको भेजा, मैं आभार प्रकट करता हूँ विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी और सारे कमेटी मेम्बर्स का। मात्र 3 महीनों के अंदर कमेटी ने बहुत विस्तार पे इससे चर्चा करके बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, और हमने अधिकतर सुझाव, मैं कहूँगा लगभग सारे ही सुझावों को हमने इसमें शामिल करने का काम किया है, तो मैं कमेटी के सदस्यों का भी यहाँ पर आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर, शुरुआत में जहाँ एक और माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने विषय को रखते हुए बहुत सारी बातें यहाँ पर की, उसमें बाद में आऊँगा, लेकिन कहते शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। आप स्वयं एक खिलाड़ी हैं, खेल प्रशंसक और खेल प्रमोटर भी हैं, और ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पर खिलाड़ी भी आते हैं, और हर सरकार ने, एक के बाद दूसरी सरकार ने लगातार अच्छा काम करने का काम खेलों के प्रति किया है, और यही कारण है कि हरियाणा की भागीदारी देश के मेडल जीतने में बहुत अच्छी रही है। उसके लिए जहाँ एक और हरियाणा की सरकार, हरियाणा राज्य, हरियाणा के खिलाड़ी, आप सब उसके बधाई के पात्र हैं, वहीं पर बाकी राज्यों को भी इससे सीखने का अवसर मिलता है। खेल राज्य का विषय है, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, एंड स्टेट्स हैव टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पोर्ट, इन क्रिएटिंग स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एट द सेम टाइम not only to create the facilities but also to promote the sports person and create jobs for them also. I'll touch those points little later, but I'll come to what has been done in the past few years. I would like to throw some light on that. Sir, kyunki NADA ki baat jab yahan par National Anti Doping Agency ki baat ki gayi, Bharat aaj aisi sthiti mein hai ki Commonwealth khel ke baad, जब कॉमनवेल्थ गेम्स का यहाँ पर आयोजन हुआ, उसके बाद कुछ और बड़े इवेंट्स का आयोजन हुआ, मैं आज की अगर बात करूँ तो भारत जहाँ से चेस की शुरुआत हुई,
शतरंज के खेल की शुरुआत हुई, यहाँ से वो पूरी दुनिया भर में गया, लेकिन चेस ओलंपियाड कभी भारत में नहीं हुआ। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दुनिया के 187 देश भाग ले रहे हैं और चेस ओलंपियाड 44वां चेस ओलंपियाड भारत में महाबलीपुरम में हो रहा है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसकी शुरुआत अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चेन्नई में जाकर वहाँ पर की, और जो वहाँ पर एक पूरा वातावरण खड़ा हुआ है चेस को लेकर। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहाँ पर बहुत बड़ा योगदान उनका चेस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम चेस की बड़ी उपलब्धियों में बात करें, उसमें तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और मैं तमिलनाडु को उसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। एक के बाद दूसरे खिलाड़ी, और जब यहाँ पर भी दिल्ली में हमने चेस ओलंपियाड की पहली टॉर्च रिले हुई, ये आज तक कभी हुई नहीं थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी फिडे के प्रेसिडेंट आर्काडी द्वारकोविच से बात की, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने भी बात की, और हमने देश में प्रथा शुरू की दुनिया भर के लिए अगर पहली टॉर्च रिले कहीं पर हुई है चेस ओलंपियाड की, तो वो भी भारत में ही दिल्ली से हमने उसकी शुरुआत की। और सर, देश के 75 ऐसी लोकेशन पर गए, क्योंकि हम आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, ताकि चेस ओलंपियाड और चेस के खेल को लेकर जागरूकता भी हो। और बहुत सफल ये कार्यक्रम हुआ, 27,000 किलोमीटर से ज़्यादा ये सफ़र हुआ है और लाखों लोग इसके साथ जुड़े। और जब महाबलीपुरम में टॉर्च वापस पहुंची, यहाँ पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये टॉर्च रिले शुरू हुई तो किसको दी सर? 5 बार के जो विश्व विजेता है, कौन है? विश्वनाथ आनंद, उनको दी। और उनको लेकर जब लाल किले पर अगले दिन गई, उसके बाद पूरे देश भर में गई, तो अंतिम दिन फिर विश्वनाथ आनंद जी ने आकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को आकर टॉर्च को जाकर वहां पर सर वापस सौंपा, और 2 युवा खिलाड़ियों ने उसको वहां पर जाकर स्थापित किया। सर, मेरा कहने का मतलब इसके पीछे केवल एक है कि भारत बड़े आयोजन कर रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले 2017 में फुटबॉल का अंडर-17 वर्ल्ड कप हुआ, बहुत शानदार सफल आयोजन हुआ, और AFC फीफा ने अगले आयोजन की जिम्मेदारी भी भारत के ऊपर दी, और इसी साल हम गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप अक्टूबर में करवाने जा रहे हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, डोप टेस्टिंग लैब बनाना और फिर उसकी क्षमता को बढ़ाना, ये बहुत आवश्यक हो गया था। आज हमारी क्षमता लगभग 6,000 टेस्ट साल में करने की है, लेकिन अगर कोई बड़ा चैंपियनशिप यहाँ पर करवानी हो तो लगभग 10,000 टेस्ट एक महीने में करने की क्षमता को करना होगा सर। तो उसके लिए कहीं ना कहीं देश में कानून भी हो और व्यवस्था भी खड़ी हो, उतने साइंटिस्ट हो, उतने लैब टेक्नीशियंस हो और उतनी डोप टेस्टिंग लैब्स हमारे पूरे देश भर में खड़ी हो सकें, उसके विस्तार में मैं जाऊंगा आपके पूरे आते हुए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आपने बात की, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की। सर, आपदा का समय था, बहुत सारे आयोजन देश भर में नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मुझे इस सदन को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जब हमने बेंगलुरु में की तो कल्पना से ज़्यादा वहाँ पर एथलीट्स आए जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के थे। लगभग 5,000 से ज़्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स ने वहाँ पर आकर भाग लिया। बहुत सफल आयोजन सर वहाँ पर हुआ, देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने आई, कोई पंजाब से थी, कोई हरियाणा से थी, कोई महाराष्ट्र से थी, और बहुत सफल उन्होंने प्रदर्शन वहाँ पर किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहीं और नहीं, हरियाणा में ही उसका पंचकुला और बाकी ऐसे 5-6 स्थानों पर उसका आयोजन हुआ, और लगभग 8,500 से ज़्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स ने उसके आकर भाग लिया। और सर, 12 नेशनल रिकॉर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टूटे। जिन 12 रिकॉर्ड्स को तोड़ने का काम, उसमें से 11 लड़कियों ने किया है, यानी कि नए 11 नेशनल रिकॉर्ड बने तो लड़कियों ने बनाने का वो काम किया है। तो सर, आयोजन एक के बाद दूसरे हो रहे, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में ट्रेडिशनल गेम्स को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया सर। योगासना की बात करें, थांगटा की बात करें,
कलारीपट्टू की बात करें या फिर गटका की बात करें, मलखम की बात करें, इन पांचों गेमों को वहां पर लाया गया सर, और इतना बड़ा आकर्षण का केंद्र बने हैं, ये शायद पहले किसी ने कल्पना नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना थी, इसको शामिल किया गया और बहुत सफलता मिली है ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल करके। आपके भी कोई और सुझाव हों, आपके राज्यों में, देश के अलग हिस्सों में ऐसे ट्रेडिशनल गेम्स होते हों, तो कृपया करके आप उसका सुझाव भी दीजिए, हम भविष्य में उनको भी शामिल करने का प्रयास समय समय पर अगर कभी भी होगा तो करने का करेंगे। सर, माननीय सदस्यों ने बिल्कुल ठीक कुछ विषय उठाए भी कि NDTL हमारी लैब की सस्पेंशन हो गई थी, और मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में भी कहा कई कारण उसके रहे सर। सर, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों में बहुत अंतर है। वेट लिफ्टिंग जहाँ एक और ओलंपिक स्पोर्ट है, हमें मेडल भी आते हैं, मीराबाई शानू ने ओलंपिक्स मेडल जब जिताने का काम हुआ सर, तो एक बेटी ने ही भारत को पहला मेडल भी जिताया, वो भी वेट लिफ्टिंग में, मीराबाई शानू ने जिताने का काम किया था, और अब भी कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम मीराबाई शानू ने किया। सर, मैं अंतर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीछे कुछ ऐसा हुआ जब बॉडी बिल्डिंग वालों के टेस्ट ज़्यादा हो गए और उसको भी रिकॉर्डिंग कर करके जैसे डाला गया, तो उसके कारण भी देश की छवि खराब हुई। एक विषय यहाँ पर जो और आया जिसको मैं आगे आके फिर आपके टच करूँगा, ऑफ द शेल्फ जो आपको प्रोटीन पाउडर्स और बाकी मिलते हैं उसका नुकसान भी क्या होता है, उसको भी एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग इसको भी लेते हैं। सर, हमने प्रयास किए और जब मुझे जिम्मेदारी भी मिली, मुझे लगा भी कि ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी एक टेस्ट को कराने के लिए यहाँ से सैंपल बेल्जियम भेजते हैं सर, उसकी कॉस्ट देश से 3 गुना ज़्यादा आती है, देश को नुकसान भी होता है, और टेस्टिंग जो देश में हो सकती है वो भी किसी दूसरे के हाथ में पहुंच जाती है। आपदा के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो एक कल्पना की थी, ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो या नेशनल एंटी डोपिंग, ये जो हमारी टेस्टिंग लैब है NDTL, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब जो हम बनाई है सर, हमने इसकी क्षमता को बढ़ाने का काम भी किया है, ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा भी करेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम एक ही लैब तक सीमित नहीं रहेंगे, हम और लैब को स्थापना करने का काम भी भविष्य में करने वाले हैं। एक लैब को स्थापित करने में लगभग 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च आया है, कई बार तो एक एक मशीन भी 8 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़ ऐसे आती है, और साइंटिस्ट की इसमें सर आवश्यकता पड़ती है। एक चैलेंज ये भी है, जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं कई बार विदेशों में भी चले जाते हैं, कई बार अलग अलग और क्षेत्रों में वो काम करना शुरू करते हैं, तो उनको होल्ड करना भी अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन भारत में अलग अलग देशों के सैंपल भी हम यहाँ पर टेस्ट करने की शुरुआत हमने की, 16 देशों के सैंपल की टेस्टिंग भी करते हैं, और भविष्य में भारत हब बने टेस्टिंग का, इस दिशा में हम जाएंगे, केवल देश तक ही सीमित नहीं होंगे, दुनिया भर के देशों का, क्योंकि हम कॉस्ट इफेक्टिव हैं, कम खर्चे पर कम समय में हम टेस्टिंग करके ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर के देशों को दे सकें, उस दिशा में सर हम आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जब भी हम कोई कानून बनाएं तो आपने कंसल्टेंसी किससे की, क्या आपने देश के लोगों से पूछा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से पूछा, राज्यों की स्पोर्ट्स एसोसिएशन से पूछा, खिलाड़ियों से पूछा, माननीय सांसदों से पूछा, या देश में जो भी खेल संघों से जुड़े हैं क्या उससे पूछा, या यूनेस्को के जो गाइडलाइंस है क्या आपने उसको शामिल किया, या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसकी गाइडलाइंस है उसको लागू किया। सर, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भी 2 बार हमें जो सुझाव दिए उनको भी शामिल किया, यूनेस्को का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसमें भी जो कहा गया उसको भी शामिल किया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से लेकर जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सर जितने भी यहाँ पर सुझाव आए हमने सबको शामिल करके आपके सामने बिल लाने का काम किया है, और लोकसभा में भी इसको आम सहमति के साथ पूरे समर्थन के साथ पास किया गया। मुझे पूर्ण आशा है जैसा आपने समर्थन किया आगे भी आप इसको पूर्ण सहमति से पास भी करेंगे। सर, इसके होने के बाद क्या होगा, जो दुनिया के बड़े देश हैं US, चाइना, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया,
ऐसे गिने चुने देशों में भारत का नाम भी आएगा, जिसका अपना कानून होगा, अपना एक्ट होगा और अपनी डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी भी देश में स्थापित होगी और आने वाले समय में देश के अलग अलग कोनों में भी होगी। इससे हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, हम इसको और मजबूत करने वाले हैं ताकि यहीं पर टेस्टिंग भी करें। और जैसा मैंने पहले कहा, आज हम मात्र 6,000 सैंपल लेकर टेस्ट पूरे साल भर में कर सकते हैं। भविष्य में इसको हम कई गुना और बढ़ाने का काम भी करेंगे और इस सब कॉन्टिनेंट में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में टेस्टिंग लैबोरेटरी, जो डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी के रूप में हम यहाँ पर खड़े होंगे। सर, कुछ बातें यहाँ पर कही गई जो दीपेंद्र जी ने भी शुरू में कहा कि माइनर एथलीट्स को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया, जो ओरिजिनल बिल था उसमें कमी थी, लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सर जब ये गया तो वहाँ पर उन्होंने बड़े विस्तार में कमेटी ने कहा कि आपको माइनर एथलीट्स को इसको प्रोटेक्टिव एथलीट्स को लेना चाहिए। तो प्रोटेक्टेड पर्सन्स की जो हमने कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट की है उसमें कौन कौन आता है? सर, ये स्पेशल प्रोविज़न हमने इसमें ऐड किया है जिसमें माइनर एथलीट्स इसको नाम यहाँ पर दिया गया, रूल्स में इसको समय समय पर आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आज 16 साल है वाडा के अनुसार, तो कल को वाडा अगर 15 साल कर देता है, 14 साल करता है, या हमें लगता है कि इसको उम्र को बदलना है तो रूल्स को उसमें हम बदल सकें, बार बार पार्लियामेंट उसमें आने की जरूरत ना पड़े, तो उसको हमने उसमें करने का प्रावधान यहाँ पर कर दिया है। इसी तरह से रिक्रिएशनल एथलीट्स, उसको भी यहाँ पर रखा गया है, और एथलीट्स विद द डिसेबिलिटीज़, ये प्रोटेक्टेड पर्सन में आएंगे ताकि इसके कारण आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना आए और इसमें रिलैक्सेशन देने का सर हमने काम किया है। दूसरा, प्रोटेक्टेड पर्सन वाले में 3 कैटेगरीज आएंगी, माइनर एथलीट्स, रिक्रिएशनल एथलीट्स और एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़, तो तीनों को हमने उसमें कवर कर दिया है। सर, एक और प्रश्न दीपेंद्र जी ने यहाँ का पूछा कि फिक्स मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल जो लेने की बात कही, सर इसमें हमने किया ही है कि जो देश भर में जितने टूर्नामेंट्स हमारे होते हैं, चाहे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बाकी हों, हम उसमें प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो स्टेट लेवल पर हाई रिस्क डिसिप्लिनस हैं उसको लेकर भी हमने जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार टेस्टिंग करेंगे ताकि वो भी हो। लेकिन एक बात तो मैं सदन को बताना चाहता हूँ, हमने यहीं तक नहीं रुके, हमने इससे पहले भी बहुत सारे जागरूकता अभियान हमने पूरे देश भर में चलाए और उसकी कुछ जानकारी मैं आप सबके सामने देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बिल के पास होने से एंटी डोपिंग की अवेयरनेस, एजुकेशन और रिसर्च फैसिलिटीज़ इसमें वृद्धि होगी। और सर, नाडा और NDTL ने पिछले एक साल में क्या किया, मैं उस पर थोड़ी जानकारी दे दूँ ताकि सबका वो भी पता चलेगा हम अभी क्या कर रहे हैं। नाडा ने 100 एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस वर्कशॉप हाइब्रिड मोड में, क्योंकि कोविड चल रहा था, हाइब्रिड मोड में की, जहाँ पे एथलीट और एथलीट सपोर्ट पर्सनल इन दोनों को ही जानकारी उनको दी। और इसके अलावा जब हमने नाडा ने तीसरा फंड अप्रूवल कमेटी यहाँ पर की और सेकेंड मीटिंग जो COP 8 ब्यूरो की जो यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग के अंतर्गत आती है सर, उसमें हमने ना केवल होस्ट किया बल्कि मुझको सदन को बताते हुए प्रसन्नता भी होती है कि एक साल पहले जहां हम सस्पेंडेड हमारी टेस्टिंग लैबोरेटरी थी, इस बार जब हमने होस्ट किया तो इंडिया को फंड अप्रूवल कमेटी का चेयरपर्सन भी चुना गया और मेंबर भी चुना गया ब्यूरो का। ये एक साल में हमने सब कुछ किया है और जब आप ये कानून आज बनाने जा रहे हैं तो इसके बाद भी दुनिया भर के देशों में और वाडा में एक संदेश स्पष्ट जाएगा कि भारत खेल, खिलाड़ियों और डोपिंग को लेकर बहुत गंभीर है। ये एक बहुत बड़ा संदेश आज सदन यहाँ से पूरी दुनिया भर में देने वाला है। सर, नाडा ने सक्सेसफुली 157 लीगल हियरिंग की और एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल और एंटी डोपिंग अपील पैनल ने 87 ऑर्डर भी इशू किए हैं इसके। सर, यही नहीं, FSSAI हैज़ इशूड रेगुलेशन फॉर मैंडेटरी टेस्टिंग ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट बट नो लेबोरेटरी अंडर द गवर्नमेंट इज डूइंग सच टेस्टिंग हैंस। ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर, ऑर्डर्स तो पास कर दिए लेकिन कोई टेस्टिंग ऐसी करने वाली लैब नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने सर एक कदम और आगे जाकर
जो नेशनल साइंस नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गुजरात में, हमने उसके साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ पर वो लैब भी स्थापित करेंगे और ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है इसकी टेस्टिंग को हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से करने की शुरुआत करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कदम इस दिशा में हम उठाने जा रहे हैं। सर, जो एग्जिस्टिंग गैप है स्टैंडर्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स का और नॉन स्टैंडर्ड वंस का, इसको भी हम ख़त्म करेंगे, जहाँ एक और टेस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, दूसरा जागरूकता अभियान भी देशभर में और तेज़ी के साथ लेकर जाएंगे। सर, नाडा के माध्यम से जब हमने डीजी नाडा की नियुक्ति की, अब एक प्रश्न बीच में आया था कि आखिरकार डीजी नाडा की नियुक्ति कैसे की, ऑफिशियल्स की नियुक्ति सरकार ने कैसे की। सर, मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो वाडा की गाइडलाइंस हैं वो अनुमति देती हैं कि सरकार या खेल मंत्रालय इन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर बाकी देशों में भी इनकी नियुक्ति की गई है और एक विश्वास मैं आपको और दिलाना चाहता हूँ, दे विल वर्क एट आर्म्स लेंथ। ये ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ पर सरकार की कोई दखलअंदाजी नहीं होगी। खेल और खिलाड़ियों के भविष्य की बात है, हम इसके बारे में बहुत गंभीर हैं और इसको मजबूत ही करेंगे, दखलअंदाजी कोई नहीं होगी, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। सर, नाडा ने एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस टूल किट को भी डिवेल्प किया है सर, और इसके अलग अलग स्टेक होल्डर्स को शामिल करके किया है, ना केवल इसको फिजिकल तौर पे जाके करने की सर आवश्यकता होगी, साथ ही साथ डिजिटल भी इसकी हमने वो प्रावधान किए हैं। सर, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग यहाँ पर किया गया है और जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स हुई, हमने वहाँ पे एथलीट्स को अवेयरनेस भी की, सेंसिटाइज भी किया, वहाँ पर टेस्टिंग करने का काम भी किया और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, खिलाड़ियों को आकर उस एप्लीकेशन को यूज़ करने की भी जानकारी दी। सर, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन ये एक प्रयास है डिपेंडेंसी मैनुअल सिस्टम्स पर कम करने की और हम लगातार वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को भी बना रहे हैं। डिजिटल क्विज और एजुकेशनल रिसोर्सेज को भी तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो स्कूलों के बच्चे हैं वो चाहे फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, उनको भी जानकारी हो कि डोपिंग होता क्या है, क्या करने से आप फंस सकते हो। और सर, ये केवल अवेयरनेस की बात नहीं है, जैसा दीपेंद्र जी और कुछ माननीय सांसदों ने कहा कि कुछ खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम से पहले पकड़े गए। सर, एक इंस्टेंस तो ऐसा है, एक खिलाड़ी की टेस्टिंग करनी थी जहां उसको आपने जाके वेयर अबाउट क्लॉज इसमें एक होती है कि आपको बताना आप कहां पर हो, उससे बचने का प्रयास कर रहे थे, एक जगह दूसरी जगह एक महीना लटकाने के बाद जब उसका चेकअप हुआ सर, तो उसके बाद वो पॉजिटिव पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी पता है कि वो गलत करते हैं और बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन सर वो देश का नुकसान भी करते हैं, क्योंकि देश के टैक्स पेयर का पैसा चंद करोड़ नहीं सर, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम पर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया जाता है एलीट एथलीट की बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग और आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी 6 लाख रुपया खिलाड़ी को साल का दिया जाता है, जेब खर्च दिया जाता है और विदेशों में जाकर ट्रेनिंग करने का और कंपटीशन में भाग लेने का खर्चा भी पूरी तरह से भारत सरकार ही वहन करती है, कहीं कोई कमी नहीं रखी गई। लेकिन एथलीट को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और सेंसिटाइज हम करने का प्रयास भी करें सर, टेस्टिंग भी ज़्यादा करने का काम कर रहे हैं और इसी तरह से सर रिसर्च मटेरियल भी और बाकी सब करने का काम कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के साथ भी सर हमने नेशनल डोप टेस्टिंग लेबॉरेटरी का एमओयू साइन करने की दिशा में सर हम हैं ताकि वो भी वहाँ पर अपना योगदान इस दिशा में दे सके। सर, कुछ बातें और दीपेंद्र जी ने यहाँ पर पूछी, एक तो मैंने हाई रिस्क एथलीट्स का बता दिया, उस पर करते हैं। एक कहा गया कि जो डीजी नाडा या नाडा की जो कामकाज होगा इसमें मैं बड़ा करूं कि बिल में ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस देने का वो सेफगार्ड हमने यहाँ पर रखा है और जो सजेशन वाडा की तरफ से मिले थी उसमें भी हमने उसको रूल्स में फ्रेम करने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन में वो सारी चीज़ों का प्रावधान हम वहाँ पर करेंगे ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए जहाँ पर सरकारी दखलंदाजी आपको कहीं सीधे तौर पर नज़र आए, वो कहीं पर नहीं होगा। और जो आपने बात कही कि रिमूवल और अपॉइंटमेंट की बात है, ये
वर्ल्ड दुनिया भर में जो अलग अलग देशों में कानून बने हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर किया गया है। जो पहले पावर बोर्ड को थी कि कहीं डायरेक्शन देनी, सर डायरेक्शन देने की पावर नहीं है, केवल रिकमेंडेटरी पावर्स इसमें रखी गई हैं। और एक आपका सुझाव आया था कि आप आर्बिट्रेशन करने के लिए लुजान स्विट्जरलैंड में क्यों जाएं, तो सिंगापुर में भी यहाँ पर उनका एक्सटेंशन ऑफिस है जो मैटर ऑफ हियरिंग के लिए वहाँ पर इस्तेमाल होता है। लेकिन हम प्रयास करेंगे, मैं कोई यहाँ पर एश्योरेंस नहीं दे रहा, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूँ, लेकिन प्रयास करेंगे। सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि भविष्य में भी अगर कोई हियरिंग की यहाँ पर हो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, भविष्य में अगर वो अपनी एक्सपेंशन करते हों तो भारत भी उसमें पिच करेगा कि कभी भविष्य में यहाँ पर बने। नहीं तो डिजिटल हियरिंग्स तो आजकल वर्चुअल हियरिंग्स तो होती हैं, उसमें भी बहुत ईज हो गई है ताकि हम यहाँ से भी अपनी बात रख सकें। बाकी आपने बहुत कुछ हरियाणा पर कहा, पर उसमें मैं नहीं कहूँगा। आपने, जनरल साहब ने, दोनों ने खूब बातें उस पर कही हैं। हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान खेलों में है जिसको पूरा देश मानता भी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी हरियाणा और बाकी राज्य, चाहे वो तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य की बात करें, मैं कहता हूँ सारे नॉर्थ ईस्ट की, अगर आप जनसंख्या के आधार पर देखें, मुझे किसी ने सर सवाल पूछा एक बार कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आप मणिपुर में क्यों खोलने जा रहे हैं 900 करोड़ रुपए की, तो मैं यही कहना चाहता हूं, राज्य की जनसंख्या के आधार से नहीं। आखिरकार लुक ईस्ट की बजाय एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर मोदी सरकार ने काम करने का काम किया है, और नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों ने बहुत बड़ा योगदान भारत में खेलों के क्षेत्र में भी किया है। और मणिपुर में अगर आप सड़क पर सुबह निकल कर जाएंगे, सर लगता है हर परिवार ही सड़क पे, कोई भाग रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एक कल्चर वहाँ पर खेलों को लेकर पैदा हुआ है। और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत सारे राज्य अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ भी बना रहे हैं, कुछ तो हवा में ही किले बांध रहे थे यहाँ पर बोलते हुए, अभी वो माननीय सांसद यहाँ पर है नहीं, चले गए। उन्होंने खेल यूनिवर्सिटी की बात तो की, लेकिन है कहाँ पर, यहाँ की जनता पूछ रही है सर आज तक वो है कहाँ खेल यूनिवर्सिटी। मैं उन पर बाद में आऊंगा थोड़ा सा, जब वो बजट की बात कर रहे थे। सर यहाँ पर पूछा गया कि एम्प्लॉयमेंट का क्या हो, जनरल वत्स ने भी पूछा कि खिलाड़ियों की, पूर्व खिलाड़ियों की एम्प्लॉयमेंट का क्या। बहुत सारे राज्य अपनी तरफ से अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत सारे राज्य इस बात की कंप्लेंट करते हैं। अब ये राज्यों को देखना है, मेरा विषय नहीं है। भारत सरकार, सर हमने आकर एथलीट जो जीत कर आता है उसको, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को हमने बार बार समय रहते हुए अवार्ड फीस भी बढ़ाई और समय समय पर उनको सम्मानित करने का काम भी किया। कुछ राज्य बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, कुछ कम देते हैं। तो किसी ने मुझे कहा कि हॉकी की टीम जीत कर आई कि अगर हरियाणा ने 6 करोड़ दे दिया तो केरल वाले 2 करोड़ क्यों देते हैं। सर ये राज्य का विषय, यहाँ पे मैं कहीं इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे पैरालंपिक्स के जीत कर आए, चाहे डेफ ओलंपिक्स के जीत कर आए, चाहे ओलंपिक्स में जीत कर आए, हमने सबको एक समान पैसा देकर सम्मानित करने का काम किया है, हमने कहीं पर कोई भेदभाव नहीं किया। और मुझे लगता है राज्यों का, जैसे मैंने पहले कहा, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्यों को ही प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट एसोसिएशन, कॉरपोरेट एंड एनजीओस, दे शुड कम फॉरवर्ड, जॉइन हैंड्स एंड वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। इट इज हैपनिंग फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। मैं ये नहीं कहता पहले की सरकारों ने किया, सर हर सरकार प्रयास करती है। जैसा सदन में देखा आपने, लोकसभा और राज्यसभा, किसी सांसद ने, एक को छोड़कर किसी सांसद ने राजनीति करने का प्रयास नहीं किया, सबने खेल भावना के साथ, यहाँ उसी खेल भावना के साथ इस चर्चा में भाग लिया है। मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। सर इसमें खेलो इंडिया, सर DOPT के रूल्स हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा में जॉब्स सरकार भी देती है, भारत सरकार भी देती है। इसके अलावा सर जो हमारी स्कीम्स हैं अलग अलग, सर मैं जब मंत्री बना यहाँ पर खेल मंत्री,
तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पिछले दो दशकों से एक बदलाव होना था। हमने बहुत सारी पोस्ट सरेंडर की ताकि कोचिज की नियुक्ति की जा सके। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्न है, हमने 400 कोचिज की नियुक्ति सीधे तौर पर कर दी है और अब खेलो इंडिया सेंटर्स में 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसमें से 580 से ज़्यादा की हमने अनुमति भी दे दी। और यहाँ पर पूर्व खिलाड़ी जो हैं उनको खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए पैसे देने का प्रावधान हमने बजट में किया है। सर, ये पूर्व खिलाड़ियों को एक तरह से खेलों को बढ़ावा देने, ट्रेनिंग देने और उनकी कमाई का साधन भी वहाँ से होगा, ये भी हमने वहाँ पर करने का काम किया है। सर, एक कहा गया कि लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए कौन कौन से इसके प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत डायनेमिक है, वो वाडा के हिसाब से हर साल चेंज होता रहता है। मैं आज अगर इसके साथ आज एक लिस्ट अटैच कर दूंगा तो मैं फिर बंद जाऊंगा, मुझे बार बार हो सकता है 6 महीने 3 महीने 1 साल बाद आपके पास आना पड़े। तो उसको रूल्स में रखा है, जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होगा हम रूल्स में उसके बदलाव करते रहेंगे ताकि सदन को बार बार उसमें चेंज ना, बार बार तंग ना करना पड़े। सर, प्रोटेक्टेड पर्सन पर मैंने पहले कर दिया, NR इलंगो जी ने उस पर कुछ सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा जनरल वत्स ने पूछा था कि क्या सैंपल्स को कैसे ध्यान। सर, सारे सैंपल्स को हम लोग एक बहुत साइंटिफिक तरीके सर, इसका सैंपल भी लिया जाता है और उनको स्टोर भी बड़े सिक्योर तरीके से किया जाता है और ये टेम्पर प्रूफ प्रोटोकॉल है और टेम्पर प्रूफ ही किट्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें खिलाड़ी के वर्षों के मेहनत जुड़ी हुई है। सर, कोई नहीं चाहता कि कोई गलत सैंपल ले। सर, अब तो खिलाड़ी भी बहुत जागरूक हैं, क्योंकि एक दो इंस्टेंस पहले ऐसे हुए किसी ने किसी की पानी में कुछ मिला दिया। अब सर खिलाड़ी यहाँ तक जागरूक हो गए, प्लास्टिक की बोतल भी नहीं लेते ताकि कोई कुछ इंजेक्ट ना कर दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश में। तो ये ऐसा भी बहुत सारी जगह पर होता है, तो वो जागरूकता भी हम उनके और पे करते हैं और यहाँ पर टेम्पर प्रूफ हम जो किट्स हैं और प्रोटोकॉल हम उसको अडॉप्ट करते हैं। और इस बिल के आने से तो उसको हम और सशक्त ही करने जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, इस बात का विश्वास भी आपको दिलाता हूं। शांतनु सेन जी ने भी कुछ बातें यहां पर उठाई, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस की, DG नाडा की और बाकी नाडा की ऑपरेशंस की, वो मैंने पहले भी कहा सर हमने वो कर दिया है। और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में जो और बदलाव करने की आवश्यकता होगी हम उसको फर्दर एलैबोरेट सर वहां पर और भी कर देंगे और मैं माननीय सदस्यों को भविष्य में उसकी जानकारी भी उपलब्ध करवा दूंगा। सर, बिल में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं ताकि उसको एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएशन के लिए हम कर सकें और हम लगातार अभी भी कर रहे हैं सर, भविष्य में इसको करेंगे। सर, पावर टू सर्च एंड सीजर की यहाँ पर बात की गई सर। सर, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट जो हैं, लगभग 60% टेस्ट हमें आउट ऑफ कंपटीशन करना पड़ता है। तो जब क्योंकि वैश्या जी बहुत लंबे समय से खेलों के साथ जुड़े हैं और जैसे उन्होंने बताया भी, शेफ्टी मिशन हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में थे भी, ये भलीभांति जानते हैं कि जब आउट ऑफ कंपटीशन आपको ऐसी टेस्टिंग करनी पड़ती है तो मैटर ऑफ एंटी डोपिंग रूल वायलेशन ना हो तो कंडक्ट, जो सर्च एंड सीजर को कंडक्ट करना होता है तो आप उसका प्रावधान नहीं करेंगे तो उनको ताकत ही नहीं मिलेगी। और अगर हम सही मायने में डोपिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये ताकत उनको आपको कानून में देनी होगी और आज आप सदन के माध्यम से उनको देने वाले हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कदम आप उस दिशा में दे रहे हैं। दूसरा, इसका दुरुपयोग ना हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वाडा के जो नियम हैं, जो उन्होंने वहाँ से सुझाव भी दिए, उसके अनुसार ही हम इसको सर्च सीजर का रूल्स को लेकर आएंगे ताकि कहीं पर एंट्री भी करनी हो, सर्च सीजर करना हो, उसके अनुसार ही करें। सर, PT उषा जी क्योंकि बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं, देश की सम्मानित खिलाड़ी भी हैं और उड़न परी की जैसे कहा गया उनको सिक्के नाम से जाना जाता था, मैं धन्यवादी हूँ कि सदन की गरिमा पहले मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों के कारण बढ़ी, PT उषा जी के आने से सदन की गरिमा बढ़ी है। और मैं तो ये भी सौभाग्य मानता हूँ कि हरभजन सिंह जो बहुत बड़े खिलाड़ी क्रिकेट के हैं वो भी आज इस सदन का हिस्सा बने हैं, वो भी मुझे आशा है कि भविष्य में अलग अलग समय पर खेलों पर और बाकी विषयों पर भी बोलेंगे। सचिन तेंदुलकर भी रहे, बहुत सारे खिलाड़ी, कुछ लोकसभा कुछ राज्यसभा में टिकी रहे, बाकी सब भी रहे, दिलीप टिकी बाकी रहे।
मैंने कहा दिलीप टर्की रहे, बाकी सब रहे। धनंजय मादिक जी ने कहा वो स्वयं खिलाड़ी रहे। मेरा आप सबसे अनुरोध ये रहेगा, खिलाड़ी तो आए हैं, आप सब भी अपने अपने क्षेत्रों में अगर खेलों का आयोजन करेंगे तो बहुत सारे खिलाड़ियों को ऐसे टूर्नामेंट में खेलकर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। और सांसद खेल प्रतिस्पर्धा देश के बहुत सारे राज्यों में माननीय सांसदों ने करवाई, जो बहुत सफल आयोजन सर हुआ है और लाखों उभरते हुए खिलाड़ियों को उसमें खेलने का अवसर मिला। आपको लगे कि खेल मंत्रालय भी उसमें कुछ कर सकता है तो आप बताइए, हम भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे ताकि हर सांसद का खेलों को बढ़ाने में कुछ ना कुछ योगदान हो, आपका सहयोग हो और हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बल दे सकें। खेल महाकुंभ गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में किया सर। लगभग 75,000 से 1,00,000 खिलाड़ी केवल मेरे संसदीय क्षेत्र में खेलते हैं, तो आप कल्पना कीजिए हमारे दोनों सदनों के मिलाकर 800 से ज़्यादा सांसद जब ये करेंगे या पूर्व सांसद भी करें तो देश भर में सर करोड़ों लोग फिट इंडिया कैंपेन को भी, खेलो इंडिया कैंपेन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए। जॉन ब्रिटास ने कहा यहाँ पर माननीय सांसद ने कि मैं केरल आया, इनसे नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, मैं आपसे नहीं मिल पाया। लेकिन सर सच्चाई ये है कि हमारी पिछले दिन कॉन्फ्रेंस थी तेलंगाना में हैदराबाद, रात को मैं 1 बजे फ्री हुआ, सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़ के मैं कालीकट गया और वहाँ पर जाने के बाद सर मैं पहली मीटिंग मेरी 9:30-10 बजे जब मैं पहुँचा सर, पहली मीटिंग करके मैं एक मीडिया हाउस के उद्घाटन पे गया था, उसके बाद मीडिया समूह के लोगों को मैं अलग मीटिंग में अलग से मिला, अब जिनको बुलाया गया मैं वहाँ पर मिला, खेल के संघों से मिला, वहाँ के खेल मंत्री से अलग मीटिंग की, फिर वहाँ के मेयर से अलग मीटिंग की, फिर पीटी उषा जी यहाँ पर होंगी, जितने वहाँ के खिलाड़ी एक इंडोर स्टेडियम में 2.5 घंटे जाके सर मैंने खिलाड़ियों से अलग मीटिंग की और उसी दिन रात को 8:30-9 बजे की जो आखिरी फ्लाइट थी पकड़ कर आया। आगे प्रयास करूँगा कि रात को वहाँ पर रुकूँ भी और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों से मिलूँ, मेरा प्रयास होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ। और मैं सर सदन में ये कहना भी चाहता हूँ, वहाँ के खेल मंत्री जी भी 8 घंटे चल के मुझसे मिलने आए, इसलिए मैं उनको भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ। हमने 2 दिन की स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस केवड़िया गुजरात में की, एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, अलग अलग राज्यों के सर अलग अलग खेल मंत्री अलग अलग विचारधाराओं के थे लेकिन खेल को लेकर सबने इतने बेहतर सुझाव दिए। उड़ीसा के हों, छत्तीसगढ़ के हों, अलग राज्य की सरकारें सर, अलग पार्टी की सरकारें हैं लेकिन खेल में सबने अपना अपना बहुमूल्य सुझाव देने का काम किया है। इसलिए मैं केवल एक पार्टी का मंत्री नहीं हूँ सर, मैं तो सोचता हूँ मोदी जी ने अवसर दिया है, मैं तो देश के सभी खिलाड़ियों सभी के लिए एक बराबर हूँ। और मैं तो यहाँ से उठकर विपक्ष के लोगों के साथ जाकर बैठता हूँ, रामगोपाल जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, मैं तो उठकर चले जाता हूँ पूछने के लिए, इनके अनुभव से सीखूँ। सर आप तो जब लोकसभा में थे आप तो इसको वाउच भी करेंगे, आप तब भी नेता थे, यहाँ पर भी नेता है, हमने कभी उस पर भी कोई इस तरह की बातचीत नहीं की। सर दूसरा मैं कहूँगा हब एंड स्पोक मॉडल, क्योंकि पीटी उषा जी पर हम बात कर रहे थे, हब एंड स्पोक मॉडल हमने शुरू किया है जो नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एंड साइंस रिसर्च का सर दिल्ली में इसका मुख्यालय है, लेकिन देश में हमारे जितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हर जगह पर हमने इसका स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया है और हम आगे इसको और मजबूत करने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। और नेशनल फोरेंसिक साइंस लैब के साथ हमने डाइटरी सप्लीमेंट्स की, जो मैंने पहले बात कही डोपिंग की, नॉन स्टैंडर्ड डाइट सप्लीमेंट्स, इनको भी टेस्ट करने के प्रावधान वहाँ पर हों, वो भी हम करने जा रहे हैं ताकि कोई भी खिलाड़ी या गैर खिलाड़ी अगर जिम में भी जाता है, कई बार वहाँ पर एक प्रोटीन का डब्बा रखा होता है, उसको लगता है कि उसके मसल रातों रात बढ़ जाएंगे, उसका नफ़ा क्या है नुकसान क्या है वो जानकारी भी भविष्य में मिले, उस दिशा में भी हम काम करने जा रहे हैं। सर एक कहा गया फॉल्स पॉजिटिव केसेस के प्रोसीजर की बात कही गई, इस बिल को लाने के बाद भी और उससे पहले भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें रिमोट पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ऐसा कुछ होगा, वो भी हम वहाँ पर करने वाले हैं। सर प्रॉपर्टी लिस्ट की मैंने पहले उत्तर दे दिया कि उसमें जो प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस हैं उनके स्टैंडर्ड्स और बाकी सबको समय समय पर रिवाइज करने ये एनुअल बेसिस पर होगा क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन पूछे गए। सर एक सवाल और आया कि भारत सरकार बजट क्यों नहीं बढ़ाती है। सर निश्चित तौर पर कोई भी खेल प्रेमी होगा उसको लगेगा कि भारत सरकार को बजट और बढ़ाना चाहिए,
लेकिन सदन की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2013-14 में 866 करोड़ रुपया खेलों का बजट था, जिसको बढ़ाकर 2254 करोड़ रुपया कर दिया गया। ₹866 करोड़ वॉज द बजट इन द ईयर 2013-14, विच हैज बीन रेज टू 2250 करोड़ रुपीस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। सर यही नहीं, हमने इसके साथ साथ सर बहुत सारी और बदलाव भी किए हैं। सर आज लगभग 300 ऐसे प्रोजेक्ट, लगभग 2000 आपका बिल तो सर्वानुमत पास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी लोग सपोर्ट किए हैं। लेकिन आपके नोटिस को मैं ये लाना चाहता हूँ कि आज हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के घर को दिल्ली पुलिस ने पूरा घेरा डाल के रखा है, और राहुल गांधी जी के घर को भी पूरा पुलिस घेरा कर डाल के रखा है। अगर ये सदन चल रहा है, इस विषय पर अगर बोलना हो, अरे हम तो वेलकम किए, सपोर्ट कर रहे, दैट इज नथिंग, वी आर सपोर्टिंग, इट शुड बी पास यूनानिमस। लेकिन इस सदन में अगर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा? नहीं नहीं, ये सब्जेक्ट विषय कुछ और है। इसलिए देखिए साहब, अगर जगह पे आप ढंग से, नहीं कोई सदन का विषय नहीं है, सदन में बहुत व्यवस्थित तरीके से बिल चल रहा है, कानून अपनी व्यवस्था कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उसमें सरकार के ऊपर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। जब कारनामे ऐसे करो तो उस समय चिंता करनी चाहिए, ऐसे कारनामे करते वक्त चिंता करनी चाहिए। आज हमें मत बताइए, जो कारण है वो कारण की चर्चा करिए, किस कारण से कार्रवाई हुई है वो कारण का जवाब दीजिए। कारण जो होते हैं उसकी चर्चा करनी है तो करिए, लेकिन बिना बात के आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग विषय क्या है उसकी चर्चा करिए, और कानून की व्यवस्था कानून कर रही है, उसमें दखल अंदाजी सरकार नहीं करती है। प्लीज 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 सर, माननीय सांसदों ने जैसे पूछा कि खेलों में क्या हुआ, रूपाला जी खेलों में क्या हुआ, वो दूसरे खेल की बात करें, मैं असली खेल की बात कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी प्लीज प्लीज, माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए प्लीज। सर बजट की मैंने बात कही कि 2013-14 में खेल का बजट जहां मात्र 866 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 2254 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। और सर मैं इस तुलना में जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि पूछा गया, दूसरा पूछा गया क्या खेल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सर 2010 से लेकर 2016 तक मात्र 62 प्रोजेक्ट 342 करोड़ रुपये की लागत से चल रहे थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले कुछ वर्षों में 2017 से 22 तक मात्र 5 वर्षों में 300 प्रोजेक्ट 2753 करोड़ रुपए की लागत से हम खेलों के पूरे देशभर में बना रहे हैं। सर हम कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं सर, हमने जो पैसा है वो भी द्रोणाचार्य अवार्ड 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया, और इसी तरह से ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी सर 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया है, और अर्जुन अवार्ड को भी 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया है। सर एक बात कही गई कि खिलाड़ियों के आने के बाद सम्मानित किया जाता है, पहले कुछ नहीं करते। सर मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। सर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच भी है, और उसका क्रियान्वयन भी जब धरातल पर किया गया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसका मैं पहला चेयरमैन बना था। सर यहाँ पर खिलाड़ी के लिए उनके रहने की, खाने की, खेलने की, ट्रेनिंग की, विदेश जाने की, देश और विदेश के दोनों में टूर्नामेंट्स में भाग लेने का पूरा खर्चा मोदी सरकार वहन करती है, और 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है, ताकि खिलाड़ी को पैसों की चिंता ना करनी पड़े,
खेलों पर ध्यान रखें और मेडल जीतें। यही कारण है कि टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल आज तक के सबसे ज्यादा भारत ने जीते और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। पैरालंपिक्स में पिछली बार 19 लोगों का कंटिंजेंट गया था, इस बार 19 मेडल जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया। डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल जीते, तो वहीं पर ही IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता, तो मनीषा मौन ने और दीपिका हुड्डा ने हमारे यहाँ पर गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। थॉमस कप बैडमिंटन में सर भारत ने 73 सालों में कभी गोल्ड नहीं जीता था, इस बार भारत के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल थॉमस कप में भी जीतने का काम किया। ये अपने आप सही कहा आपने, रातों रात नहीं हुआ। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, खेलो इंडिया सेंटर्स हो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो, साइट स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स हो या एक्सटेंशन सेंटर्स हो, ये सारे प्रावधान किए गए और बजट में बढ़ोतरी की गई, तभी जाकर खिलाड़ियों को सहयोग भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये सर, जब वो खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति जब युद्ध में भी सर, अगर जनरल साहब कहाँ गए हैं, तो जनरल साहब युद्ध में जब कोई जाता है, और कारगिल के युद्ध में सर अगर टाइगर हिल पर वापस कब्जा लेना था, तो उससे पहले कहीं ना कहीं मनोबल किसने बढ़ाया? उस समय फौज के उस अधिकारी ने तो मनोबल बढ़ाया ही होगा। लेकिन मुझे आज भी याद है कारगिल युद्ध में जब वहां पर हमारे सैनिक शहीद हुए या जो वहां पर गंभीर रूप से घायल भी हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय किसी पद पर नहीं थे, कहीं पे मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो उनका हालचाल पूछने गए, और जब अस्पताल तो गए ही थे लेकिन जिस बंकर में जाकर अपने सैनिकों से मिल रहे थे, वहां पर वो लोग ध्यान देकर रेडियो पर सुन रहे थे, एकदम से सबने भारत माता की जय करनी शुरू कर दी। क्यों? उस समय अटल जी ने निर्णय लिया था कि मैं देश से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक एक एक इंच भारत भूमि की वापस नहीं ले सकते, तो जवानों को लगा कि देश के प्रधानमंत्री साथ में खड़े हैं। इसी तरह से मोदी जी आज जब हमारे देश के खिलाड़ी दुनिया के किसी दूसरी धरती पर जाकर खेल को एक युद्ध भूमि के रूप में अगर देखें, अगर वहां पर हिस्सा लेने जाते हैं, तो उनके जाने से पहले देश के प्रधानमंत्री उनसे बात करके मनोबल बढ़ाते भी हैं, समय पर वहां पर बात करनी तो भी करते हैं, और आने के बाद भी प्रधानमंत्री निवास पर खिलाड़ियों को बुलाकर उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। एक बड़ा बदलाव आया सर, बड़ा बदलाव आया है। मैं तो पिछले 22 साल से सर खेलों से जुड़ा हूं, कभी खेल संघों के अध्यक्ष से लेकर आज खेल मंत्री तक, मैं जानता हूं कौन किस समय कितने लोग मिलते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ बदला है, सोच बदली है, सुविधाएं बदली है, और हमारे खिलाड़ियों ने देश के मान सम्मान और मेडल जीतने का काम भी करने का काम किया है। दूसरा सर, फिट इंडिया कैंपेन को भी हमने आगे बढ़ाया, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज ये पूरे देश भर में किया सर। फिट इंडिया क्विज भी हमने किया, मैं सबको, क्योंकि जाने की जल्दी होगी, मैं उस पर समय ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि सबने आम सहमति के साथ किया। सर दो बातों पर मैं जरूर ध्यान देना चाहता हूँ, एक माननीय सांसद एक राज्य की बड़ी बड़ी बातें करके गए सर, और मैं बैठे बैठे देख रहा था सर कि किया क्या है, और मैंने सोचा कि चलो उस राज्य का बजट का प्रावधान कितना, जरा उसको भी बुलाकर देखा जाए। सर बजट बढ़ाना तो दूर की बात, बजट बढ़ाना तो दूर की बात सर, 284 करोड़ रुपया उन्होंने 2020-21 में दिल्ली सरकार ने खेल का बजट रखा था, मात्र 40 करोड़ रुपये खर्च किए, और यही नहीं सर बजट लगातार कम किया है, उसको कम करते करते 116 करोड़ और अब 115 करोड़ शायद इस पे ले आए हैं, मैंने कागज़ यहीं पे रखा था, मैं वापस आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि कागज़ भी थोड़े नहीं, रिकॉर्ड पे आंकड़ा ठीक जाना चाहिए सर। दूसरी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि ये किया वो किया, वो जिस खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं वो शायद हवा में ही बना, जमीन पे तो कहीं नजर आता नहीं है। और बड़ी बात तो ये है, जो आरोप वो उत्तर प्रदेश पर लगाकर चले गए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं कि अगर देश में
टोक्यो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के बाद देश की सरकार ने तो दिए ही पैसे, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपने खिलाड़ियों को भी सम्मानित करके उनको कैश रिवॉर्ड्स दिए। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश के खिलाड़ियों को बुलाकर भी करोड़ों रुपए देकर सम्मानित किया और मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना भी रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया है। सर, इसलिए वे सारे बातें यहाँ पर लानी इसलिए आवश्यक थी कि देश को जानकारी मिले, कोई गलत आंकड़ा वहाँ पर ना जाए। बाकी जहाँ तक दिल्ली की सरकार की बात है, इन्होंने लगातार बजट में कटौती ही की है। 280 करोड़ केवल दिखावे के लिए था, 40 करोड़ ही खर्च किया, फिर 116 करोड़ शायद 115 करोड़ पे आ गए। खर्चा कितना कर पाएंगे मुझे सर उसका पता नहीं। कुछ बातें सर जो मुझे लगता है राजनीतिक रूप से यहाँ करने का प्रयास किया, मैं उस पर नहीं कहूँगा क्योंकि मैटर सब जुडिस भी है। केवल कुछ लोगों को चर्चा में रहने की आदत है, आरोप लगाओ और फिर भाग जाओ, रिप्लाई के समय सदन में उपस्थित नहीं है। इससे पता चलता है वो खिलाड़ियों को लेकर गंभीर कितने हैं। मैं माननीय संजय सिंह जी की बात कर रहा था सर। दूसरा सर, मेरा एक अनुरोध और रहेगा। कुछ ने कहा कि राज्यों में लैब्स बने सर, क्योंकि जो भी लैब बनेगी ये नाडा के कानून के अंतर्गत ही बनेगी, और मैंने पहले भी कहा एक लैब से हमारा भी काम चलने वाला नहीं है। हम चाहेंगे कि देश के अलग अलग स्थानों पर भविष्य में बढ़ोतरी हो, बने, लेकिन हर राज्य में एकदम से खोलना संभव नहीं हो पाएगा। शायद उतनी आवश्यकता शुरू में ना भी हो, लेकिन जो भी बने क्वालिटी बने, ना केवल देश के खिलाड़ियों के टेस्टिंग के लिए उपयोगी हो, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ हम NDTL को, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबॉरेटरी को, एक आत्मनिर्भर भारत की सोच के अंतर्गत देश और दुनिया के लिए टेस्टिंग लेबॉरेटरी बनाने जाएंगे, ताकि दुनिया भर के सैंपल्स को भी यहाँ पर लाएं और भारत इस दिशा में भी अपना बड़ा नाम कर सकें। आप सभी ने अपना बहुमूल्य सुझाव यहाँ पर दिए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। आपने खेलों में और खेल के बिल में राजनीति नहीं लाई, इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। मिस्टर जॉन ब्रिटाज ने कहा कि क्रिकेट ने बहुत पैसा कमाया, 50,000 करोड़ कमाया, तो मैं तो कहना चाहता हूँ भारत को इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि दुनिया में जितने देशों में क्रिकेट खेला जाता है वो भी आज भारत की ओर देखते हैं कि भारत में आकर खेलने का अवसर मिले। ये भारत ने अपनी ताकत और नाम पूरी दुनिया भर में बनाया है। और जब टोक्यो ओलंपिक्स में भी हमारे खिलाड़ी गए सर, तब BCCI ने उसमें भी प्रमोशन के लिए पैसा दिया, खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए पैसा दिया। स्टेडियम सर जो अहमदाबाद में बना है सर, कितना स्टेडियम है सर। क्रिकेट जगत में दुनिया का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कहीं पर बना है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये गुजरात में बना है। हमें इन बातों पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि मैं सर दो बातों में इसलिए आज विशेष पर क्यों बात कर रहा हूं। एक बात कही गई कि सर एक बात कही गई कि पॉलिटिशियन सर, कहा गया कि पॉलिटिशियंस स्पोर्ट्स बॉडी को हेड करते हैं। सर, शरद पवार जी क्रिकेट के अध्यक्ष रहे तो मुंबई में उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम बनाया, अरुण जेटली जी यहाँ पर दिल्ली के अध्यक्ष रहे तो यहाँ पर स्टेडियम बनाया, खिलाड़ी भी रहे तो उन्होंने भी बनाया। ये व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पर निर्भर करता है कि वो क्या योगदान दे सकता है। ना सभी सांसद एक बराबर होंगे, ना वो सभी खेल एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हो सकते हैं, इसलिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अपने, वो जिसको चुनना चाहे चुने। हमने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड लेकर आए, उसके अनुसार उनका चयन किया जाता है। खेल संघ ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो अपने आप अपने लोगों को चुनते हैं। मैं इतना ही कुछ कहूँगा, हम खेल और खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और इस बिल में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सबने सहयोग दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अच्छा।